हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको हमारे तरफ से राम राम जी। तो ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो ये यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने लगा है और फिर उसके बाद दवाई वगैरह खाएगा। अभी दवाई चल रही है, थोड़े दिन और चलेगी। तो दवाई दवाई खा के फिर स्कूल जाएगा। और इसको इतना तेज बुखार था ना, जो बुखार में इसका हट ही नहीं रहा था, तो इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था शायद इधर उधर की दवाई दवाई खाने से ना, तो पेट में इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो अभी इसकी उसकी दवाई चल रही है। तो डॉक्टर ने बोला था कि अब स्कूल भेज सकते हैं इसको। हॉस्पिटल से इसका इलाज चल रहा था, सीटी स्कैन, पता नहीं कितने सारे टेस्ट करवाए हैं इसके, बहुत सारे। तो अब थोड़ा सा ठीक है, अब स्कूल जाने लगा है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगने लगा है। स्कूल तो 2-3 दिन से जा रहा है, बट मेरे बोलो राम राम जी। हाँ हाँ, खिला रही है, तन्नू भी खिला रही है। मनु भी जिन स्कूल जान दो, मैं तन्नू भी दे रही हूँ रोटी, ठीक है। तो अभी तक पूरी रात की सोई नहीं, अब खाना खाएगी, उसके बाद फिर शायद सो जाएगी। हाँ बिट्टू, हाँ हाँ दूंगी दूंगी। ये क्या कर रही है, पैर ना हाथ ना कर दूंगे। राम राम जी, दोनों हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ के राम राम जी करो। चलो ये तो रो ही रही है। और पूजा भी हो चुकी है, मन्नू के पापा ने पूजा कर गए थे और उनको जाना था ना, तो वो निकल गए थे। और अब मन्नू ने भी हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लिया, अब ये स्कूल जाएगा। बाय बेटा। तो मन्नू जा रहा है अभी स्कूल, बाय बाय। और ये लाइट हमारी अभी तक खराब ही है, आना चाहिए, ठीक है। डांसिंग लाइट है वही, तो ओके बेटा, बाय। तो मनु तो स्कूल चला गया, तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी हमारा बना हुआ है। तो अब मैं और लवण्या करेंगे ब्रेकफास्ट, तो आप सब भी कर लीजिए। तो पानी और चाय और अचार ले लिया मैंने, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद काम कुम करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते, लवण्या को करवा देती हूँ, फिर सो जाएगी वो ना, पूरी रात से सोई नहीं है, अब सोएगी शायद वो। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा हो गया, और ये देखिए अभी तक नहीं सोई है, इसको भी नींद नहीं आ रही, और सोने वाली वो नींद आ रखी है, लेकिन पर सो नहीं रही है अभी तक ना। और ये कपड़े धोए थे मैंने रात को, तो भी निकाल के लाई हूँ मशीन में से। अब इनको टांग देती हूँ यहाँ पे, और पहले इसमें ना चिड़ियों को पानी डाल देती हूँ। और ये देखिए ये कितना प्यारा हो गया ना, पेड़ बिल्कुल सूख गया था बिल्कुल ही, और कितना अच्छा हो गया हरा भरा। और यहाँ पे सारी साफ़ सफाई कर की थी, और मतलब बिल्कुल साफ़ हो गया था। और ये देखिए फिर से कितना ज़्यादा हो गया, ये भांग है पता नहीं शायद, और कितनी ज़्यादा लगी हुई है, कितनी ज़्यादा, पूरा भर गया फिर से, जंगल बन गया फिर से। तो सारे कपड़े वगैरह मैंने टांग दिए हैं यहाँ पे, सुखा दिए। और कपड़े कुपड़े टांगने के बाद, फिर काम कुम करने के बाद, फिर मैंने थोड़ी देर सो गई थी, तो उसके बाद आगे का ब्लॉग ही नहीं बना। मन्नू भी स्कूल से आ गया था, और आके इसने भी खाना खुना खा के, ये भी दोपहर को सो गया था, और ये बच्चों तो सो ही रही थी। अब ना शाम हो चुकी है, और अब देखो ये शाम को उठी है लवण्या, 7 बजे तक हम सो रहे। हाँ बहुत सो ली आज, बहुत सो ली है, और क्योंकि सोती नहीं है ना लवण्या, रात को सोने नहीं देती, फिर मैं अभी क्या करूँ। तो अभी खाना खुना लंच लुंच करके फिर दोपहर को सो गया, ये तो सोती ही रहती बच्चू सी। अब उठी है शाम को, अब मैं जाऊंगी नहा के, पूजा करूं, हनुमान चालीसा पढूं, फिर उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। और मन्नू के पापा अभी तक आए नहीं है, वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर तक, ठीक है। लब्बू चतरी भी चुंडी चांडी कर दो, सोई ना हूँ, ठीक है, चुंडी करवा ली। तो हमारी शाम की पूजा भी हो चुकी है, लवण्या भी उठ गई थी, तो इसको बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया, चुंडी कर दी इसकी, बड़ी मुश्किल से की बट एक चुंडी कर दिया जिसका मैंने बच्चों का। और अभी इसको ना दवाई देनी है, इसकी दवाई रह गई थी क्योंकि ना ये आज बहुत सो रही थी। है चाय को तो मैं सोचती थी डैडा आज बता चाय बना दें, अब वो आए ही नहीं है मन्नू के पापा, तो मैं सोचती थी चाय बनाएंगे बट वो आए ही नहीं। तो अब मैं सोच रही हूँ कि सब्जी को तड़का तुड़का लगा लेती हूँ, सब्जी बना लेती हूँ। हाँ तो कोई नहीं, शाम होगी तो क्या हो गया। मनु तेन चाय नहीं पीनी चाहिए, हले तेन मना है चाय ना पिया कर, चाह थोड़े दिन है ना बिट्टू। मनु भाई कोई है, देखिए ये कैक्टस बैठा है यहाँ पे लवण्या से बातें करने के लिए, लेकिन लवण्या बोल दो लवण्या को हैप्पी बर्थडे टू यू, अब भी नहीं है, एडवांस में बोल रहे हो आप, अभी तो उसके बर्थडे को बहुत टाइम है, है ना लवण्या, 3 मंथ पड़े हैं अभी। आई खुश हो रही है। तो मन्नू का तो बर्थडे इस बार ऐसा ही चला गया, क्योंकि मन्नू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा, और मन्नू का पापा भी बहुत रो रहे थे, मैं भी बहुत रो रही थी, ये भी रो रहा था बच्चों, तो लवण्या भी रो रही थी, मेरे भाई को कहा हुई, मेरे भाई को कहा हुई, है ना बिट्टू। फिर बजरंग बली जी ने सब अपने आप ही ठीक कर दिया, मन्नू अच्छा हो गया, ठीक हो गया थोड़ा, सब दवाई दवाई चल रही है, फिर भी ठीक हो जाएगा अच्छे से। और जामा मैं ना जामा मैं जा
जाऊँ बेटा सब्जी पा दूँ, सब्जी पा लूँ मैं क्या? अच्छा ये पूछ रहे कौन सी सब्जी बना रहे हो आज, तो मैं बना रही हूँ बेटा आज क्या खाओगे आप हैं? क्या तो राजमा नो नो कढ़ाई पनीर बना दो। हाँ तो डैडा पता नहीं कितने तक आओगे पनीर ले आऊंगा ता है ना हले कितने बजे तक आओ डैडा है ना लगू क्या बना दो मैं तो लगू ने पूछ रही हूँ पिंडी बना दो पिंडी है ही नहीं दे फोन आना है किसी का नानी का ही है नन्नी का कॉल है नन्नी का कॉल। तो यहाँ पे लवण्या भी सो चुकी है और मन्नू को देखिए ये भी यहाँ इधर लेट गया क्योंकि ना घर में नेट नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा तो ये ऐसे लेट जाता है ये देखिए बच्चा। अब मैं जा रही हूँ सब्जी में, हाँ वही तो ये लेटा हुआ ऐसे और मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ। और अभी आ गई मैं किचन में और मैं बना ली यहाँ पे लौकी की सब्जी, तो लौकी को मैंने काट लिया और प्याज प्याज धो लिया सब काट लिया, मतलब काटना भी धो लिया और छील मतलब छील छूल दिया। तो बस अब मैं तड़का लगाऊंगी, यहाँ पे दूध भी गर्म हो गया और सब्जी को तड़का लगा लेती हूँ फटाफट और फिर आटा गूंदना फिर रोटी बनानी है। और मन्नू का पापा अभी तक नहीं आया, हमने चाय भी नहीं पिया, वैसे मैं पीती कम हूँ चाय लेकिन जब वो होते ना तब पी लेते हैं हम चाय। तो लौकी की सब्जी बन के हो चुकी है तैयार, तो आटा मैंने गूंद लिया था, अब बना रही हूँ मैं यहाँ पर रोटी। तो मन्नू के पापा भी आ गए हैं और फ़ोन पर बात कर रहे हैं, लवण्या तो सोई रही है अभी और मन्नू ये देखिए ये लटक रहा है यहाँ पर, टांगे भी दबा रहा है और लटक भी रहा है, दोनों काम कर रहा है एक साथ।